नंबर वन जो लिखा है ना, ये सीपीओ मेंस के पेपर में आया, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आया था, ठीक है, लेकिन गड़बड़ वही थी जो मैं समझाने जा रहा हूँ, उसी की वजह से बच्चों का गलत हो गया। उसमें एक क्वेश्चन लिखा था, द ड्राउनिंग मैन सैड हेल्प हेल्प, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया, तो उसमें उन्होंने अलग अलग ऑप्शन लिख दिया, द ड्राउनिंग मैन शाउटेड फॉर समवन, द ड्राउनिंग मैन शाउटेड एट समवन, द ड्राउनिंग मैन शाउटेड विद समवन, इस तरीके से थे। अब यहाँ पे देखो है क्या, ये जो ड्राउनिंग मैन है, ये जो चिल्ला रहा है मदद के लिए, तो ये किसी को टारगेट कर रहा है क्या? नहीं, ये इसका पर्पस है। द ड्राउनिंग मैन शाउटेड, व्हाई, व्हाई डिड ही शाउट, क्यों चिल्लाया? तो जब भी हमें कभी इंग्लिश में पर्पस बताना हो ना, तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन फॉर लिखनी चाहिए, तो यहां लिखो फॉर। द ड्राउनिंग मैन शाउटेड फॉर समवन टू हेल्प, उसने इसलिए शाउट किया कि कोई आके उसको बचा ले, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा द एंग्री मैन शाउटेड डैश द किड्स लाउडली, अब ये एक टारगेट है, ये एंग्री मैन है, ये बच्चों पे चिल्ला रहा है, तो व्हेन वी वांट टू हर्ट समवन बाय मींस ऑफ एक्शन और बाय मींस ऑफ स्पीच, तो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को बाय मींस ऑफ स्पीच या बाय मींस ऑफ एक्शन हर्ट करने का इंटेंशन रखते हैं, तो हमारा टारगेट है, तो उसके साथ हमें एट लिखना है। तो यहाँ पे लिख दो द एंग्री मैन शाउटेड एट द किड्स लाउडली। अब यहाँ जो कोई पर्सन है, उसने देखा कि उसके दोस्त हैं रोड के उस तरफ, ठीक है, तो वो उनको बुलाना चाहता है, मतलब चिल्लाया उनका नाम हम लेके, शाउट किया, लेकिन उन्होंने भीड़ में सुना नहीं। अब क्या ये टारगेट है, पर्पस है? नहीं। अब ये रेसिपिएंट है, वो शाउट करके उनको एक मैसेज देना चाहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बात सुनो, ठीक है, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ा, मतलब वो मैसेज था वो डिलीवरी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप कुछ ट्रांसमिट कर रहे होते हो, तो जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो, जो उसका रेसिपिएंट है, तो बेटा सार्वम टू तो आएगा, लेकिन तीसरे में आएगा, ठीक है। तो शाउट टू समवन का मतलब किसी का ध्यान खींचने के लिए उसकी तरफ शाउट करना, जिससे कि वो आपकी बात को सुने समझे, एक तरीके से उसको मैसेज डिलीवर करना, मैसेज देना कि वो आपकी बात को सुने सोचे समझे। अब देखो शाउट यहाँ भी है, शाउट यहाँ भी है, शाउट यहाँ भी है, सब जगह शाउट है, लेकिन प्रेपोजिशन हमारी सिचुएशन के हिसाब से यूज होती है, तो सिचुएशन अलग अलग है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जितना समझ में है उतना समझना, क्योंकि समझ में कुछ आ जाएगा ना, तो आगे चांसेस हैं कि उससे तुम अपना और ज्यादा सीख लोगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, रट्टा रट्टा काम नहीं करेगा, फिर चाहे कोचिंग लो चाहे ना लो, पेपर वाले दिन तुक्के मारने, तो अगर तुक्के मारने तो फिर टाइम पैसा बचा लेना चाहिए। तो साउट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमें पता है सिचुएशन अलग अलग है, प्रेपोजिशन सिचुएशन के हिसाब से यूज होती है, ठीक है। तो टारगेट्स के साथ में हमें ऐड लिखना है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट्स हो गए, गैदरिंग हो गई, टारगेट्स हो गए, टेयर गेज एम, इनके सबके साथ हम ऐड लिखते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, शूट से समझते हैं। हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे, चलो यही लिखते हैं। He shot dash the lion and killed it. He shot dash the lion, but it escaped. He shot dash the lion and killed it. He shot dash the lion but it escaped. अब देखो, इस पर्सन ने शूट किया लायन को और लायन को किल भी कर दिया, मतलब शूट किया तो लायन तो मर ही जाएगा, तो इसने जो काम किया उस काम का इफेक्ट लायन पे ट्रांसफर हो गया, वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, नो प्रेपोजिशन। यहां पर इसने शूट किया लेकिन लायन शूट हुआ नहीं, वो बच गया, तो इसने काम तो किया लेकिन उस काम का इफेक्ट किसी पे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वर्ब इंट्रांसिव रह गई। अब इंट्रांसिव रह गई तो फिर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, वो हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। अब जब हम किसी को शूट कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वो हमारा टारगेट ही होगा। तो ऐसा भी नहीं कि शूट वर्ब के साथ में हम हमेशा एट ही लिखेंगे, ठीक है। व्हेन वी से शूट समवन एंड व्हेन वी से शूट एट समवन, दीज आर टू डिफरेंट मीनिंग्स। तो शूट एट का मतलब क्या हो गया, वॉज नॉट हर्ट, इसका मतलब वो हर्ट नहीं हुआ, टारगेट तो था लेकिन हर्ट नहीं हुआ। और शूट संबंध का मतलब गॉट हर्ट, ठीक है, उसके बाद जिया या बचा,